मार्च का महीना भी जल्द ही जाने वाला है और मौसम में गर्मी भी आप देख पा रहे होंगे। गर्मियां धीरे धीरे शुरू होने लगी हैं और जल्द ही अप्रैल के महीने में गर्म हवाएं भी शुरू हो जाएंगी। गर्म हवाओं या ठंड के बाद मौसम बदलकर आने वाली गर्मी कई बार स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा देती है। नक्सी छूटने की समस्या कुछ लोगों को बदलवा मौसम में ही होने लगती है और यहाँ तक कि कुछ लोग इस बीमारी को एक आम समस्या समझने लगते हैं, जो कि काफी गलत हो सकता है। नक्सीर फूटने की समस्या को इग्नोर करना काफी परेशान कर देने वाली स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये गर्मियों में काफी दिक्कत पैदा कर सकती है। ये कोई गंभीर ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बदलते मौसम में नक्सीर छूटने के पीछे के कारण बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समर। दोस्तों, ज्यादातर लोग नक्सी छूटने की समस्या को सामान्य गर्मियों में होने वाली समस्या समझते हैं, लेकिन नोज बिल्ड कई बार एक गंभीर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसे मेडिकल भाषा में एपिस्टेक्सिस कहा जाता है। कई बार नक्सी छूटना किसी जेनेटिक समस्या के कारण देखी जाती है, जबकि कुछ लोगों को बाद में ये समस्या विकसित होती है। जिन लोगों को ये समस्या बाद में विकसित होती है, उन्हें आमतौर पर गर्मियों में या फिर सर्दियां जाने के बाद बदलते मौसम में बार बार नाक से खून आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नक्सी छूटने के पीछे कई अलग अलग कारण देखे जा सकते हैं, जो प्रमुख रूप से इस बात पर निर्भर करते हैं कि नोज बिल्ड की समस्या जेनेटिक है या एक्वायर्ड। देखा गया है कि जिन लोगों की जीवन शैली खराब हो चुकी है, जैसे ज्यादा शराब पीने वाले या फिर अधिक धूम्रपान करने वाले लोगों में बहुत ज्यादा इस तरह की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा नाक के अंदरूनी हिस्से में किसी तरह की एलर्जी, इन्फेक्शन या चोट आदि लगने के कारण भी ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, जब भी सर्दियों के बाद गर्मियों का मौसम शुरू होता है, तो इसके कारण कुछ लोगों के श्वसन मार्गों में एलर्जी होने लगती है, जिस कारण से नक्सी फूटने का खतरा बढ़ जाता है। धीरे धीरे मौसम में जितनी गर्मी बढ़ती है, उतना ही इस बीमारी के होने का खतरा बढ़ता रहता है। नोज ब्लीडिंग का खतरा सबसे ज्यादा तब शुरू होता है जब गर्म हवाएं चलने लगती हैं। वहीं जिन लोगों को जेनेटिक कंडीशन है, उन्हें किसी भी मौसम में ये समस्या हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। जिन लोगों को नक्सीर फूटने की समस्या है, उन्हें डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए और उसके अंदरूनी कारण का पता लगाना चाहिए। अगर किसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के कारण ये समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से उसके अनुसार दवाएं देते हैं, जिन्हें समय पर लेते रहना चाहिए। इसके अलावा कई घरेलू नुस्खे भी मिल जाते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ धूप में ना निकलना और ठंडी चीजें खाना आदि भी इस समस्या के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और है, अगर आपको जब नक्सी छूटे तो आप ठंडे पानी को सर के नीचे रख दें, यानी कि आप घर के किसी नॉर्मल टोटी को खोलें और उसके नीचे अपना सर रखें। जब आपका सर ठंडा हो जाएगा, तो उससे भी ये ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।